शिवसेना नेता संजय राउत भले ही नागपुर एक कांग्रेस नेता के पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हो, मगर उनका नागपुर में आने से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। आइए देखते हैं कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा। राउत को आप पहचानते हैं, बहुत ही जुझारू नेता है। संघर्ष करके पूरा राजनीतिक जीवन उनका यहाँ तक पहुँच गया है और उसमें वो क्षमता है के सी राव साहब में कि सबको साथ लेकर नेतृत्व करे। उद्धव जी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बातचीत है। देखिए, ये तो उनकी आदत है और आदत उनकी मजबूरी भी है। जब ये लोग हारने के कगार पर खड़े होते हैं तो इस प्रकार के आरोप करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और जो आखिरी हाथ पांव मारने की कोशिश चल रही है, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उसका ये एक परिणाम है। बघा, त्याने आमच्या पक्षामध्ये अशा प्रकारे आमच्या पक्षप्रमुखाला विनंती करण्याची गरज नाही। बाळासाहेब ठाकरेंपासून आतापर्यंत मी या पक्षाचा मुख्य प्रवाह ठाकरे परिवाराबरोबर, त्याने आम्हाला फार ज्ञान देण्याची गरज नाही। त्यांनी त्यांचा पक्ष सांभाळावा, त्यांचाच पक्ष कणाकणानं रोज झिजतो आणि संपतो आहे। त्यांनी त्यांच्या पक्षाचं काम करावं, आम्ही आमच्या पक्षाचं काम करतो। सदिच्छा हे अधिकारी आमच्या मुंबईतसुद्धा काम करत, त्यांच्यामध्ये फार बघा काही गोष्टी व्यक्तिगतरित्या भेटतो। तुम्ही ज्यांची नावं घेतली त्याच्यासाठी मला कोणत्या पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटण्याची गरज नाही। सगळं काही आहे आणि शक्यतो नागपुरात येऊनच मी त्या सगळ्या विषयावर बोलेन लवकरच। धन्यवाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।